actor, host, and presenter, the hilarious and super cute shopkeeper who has taken digital world and television by storm. Extremely sexy, Ravi.
one wedding curve. Give it up for all the beautiful people on the stage. Global go Japanese, go Japanese. Come on, give us a peace sign, everyone. Come on, give us a peace sign. Everybody in the audience, a huge round of applause. Oh, thank you, everybody. Thank you so very much for joining us this evening. You all look wonderful. Do you want to see something? Come on. No, but thank you, thank you, thank you, everybody. Thank you. Ladies and gentlemen, did you enjoy seeing your favorite stars on the ramp? सर आज की शाम को लेकर क्या कहना चाहेंगे 26 यार ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के लिए वॉक कर रहे हैं यार एज इन इसमें हर एज इन वॉक ऑफ लाइफ से एक्टर्स हो म्यूजिशियंस हो क्रिकेटर्स हो बिजनेसमैन हो एवरीवन वॉक टुगेदर दे वॉक टुगेदर फॉर पीस तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये वन लाइफ अलायंस इनिशिएट किया है जिन्होंने और मिस्टर रतन टाटा ने इसे organized kiya hai so it's a very good initiative yeah. very happy to be a part of it yeah. Gautam jo I feel like I'm going to go to the next one. दुनिया में आते रहेंगे तो आई थिंक एनिमल क्रुएल्टी और भी घटता रहेगा दैट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड क्या विश करना चाहेंगे पीस की जो 26/11 अटैक पे जो जवान शहीद हुए और हमारे बॉर्डर पे जो अभी भी हमारे लिए रक्षा करते हैं उनके लिए क्या मैसेज है देखिए लड़ाइयां झगड़े और ये जो है ना एकदम अहिंसा के हित है तो उसके लिए आई थिंक हम सभी को थोड़ा थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए जैसे एनजीओस बहुत सारे हमारे इंडिया में हैं तो जैसे इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि सारे सेलिब्रिटीज़ एक जगह पे वॉक करें क्यों करें क्योंकि हम सब सपोर्टिव है एवरी इंडिविजुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो सब जब एक जगह पे एकजुट होकर सपोर्ट करें तो द ग्लोबली सॉरी सोशल मीडिया में जिसका रीच है लोगों को लगेगा कि हाँ चलिए हम भी इनका साथ देते हैं यू नो समथिंग लाइक दैट सो आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड सेलिब्रिटीज़ कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं इस तरह का इनिशिएटिव फ़ंड रेजर्स जो होता है जहाँ पे आप अपनी चहेते सेलिब्रिटी को वॉक करके देखते हैं लोग आते हैं और काफ़ी सारे यू नो लोग डोनेशंस डालते हैं सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट सेलिब्रिटी एनी ह्यूमन बीइंग कैन टेक एन इनिशिएटिव तो इट्स नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू बी अ सेलिब्रिटी टू डू समथिंग लाइक दैट यू नो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम विद इन तो अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो देन यू कैन बिगिन फ्रॉम एनी वेयर थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे आके इस कॉज से जुड़ के बहुत गर्व है इस बात का कि मैं ऐसे कॉज के साथ जुड़ा हूँ और ये किसी की ज़िंदगी के बहुत ही एक डार्क चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है और उस इंसिडेंट जो एक हमारी हिस्ट्री का मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर होगा उसकी वजह से किसी ने ये सोचा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए तो ऐसे कॉज के साथ जुड़ने में हमेशा बड़ा गर्व महसूस होता है और अच्छा लगता है कि हम ऐसे कॉज के साथ जुड़ें और हमको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम लोग अर्चना कोचर जी के कपड़े पहन के रैंप पे वॉक कर रहे हैं और इस वजह को इस कॉज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी मुझे बहुत खुशी आपकी तरफ से क्या विश करेंगे जो 26/11 अटैक पे जो हमारे जवान शहीद हुए और जो बॉर्डर पर हमारे लिए रक्षा करते हैं उनके लिए क्या विश करेंगे आप क्या पीस होगा आपकी तरफ देखिए मेरे लिए हम लोग क्या है हम लोग बहुत ही आसान जिंदगियां जीते हैं एक्चुअली और तो कुछ भी कहना मेरे लिए उनके लिए मुझे समझ नहीं आता कि मैं किन शब्दों में उनको प्रोत्साहित कर सकता हूँ मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ एक आम जनता के हिसाब से कि मैं अपने क्योंकि मैं फौजी स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरे ज़्यादातर क्लासमेट्स आज की डेट में कर्नल्स लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि यार वो लोग जो काम करते हैं
वो शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते, और शायद उनकी उस पोजीशन की वजह से, उनकी उस जज्बे की वजह से हम लोग आज यहाँ पे इतना सुरक्षित माहौल में ये सब कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, और हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और वहाँ पे उनकी ज़िंदगी रोज़ हर मिनट हर सेकंड दांव पे लगी होती है। तो मेरे ख्याल से मैं यही कहूँगा कि दे आर नेक्स्ट टू गॉड फॉर अस, एंड मे गॉड कीप देम ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच। चलेगा आग लगा दी थी इसने अभी हमारे प्रेजेंट है ग्लोबल बीसी इनिशिएटिव के मौके पर, आप भी यहाँ पर हैं, हमने एक ब्यूटीफुल रैंप वॉक देखा, क्या कहना चाहिए, क्या फील करते हैं आप आज के इस मौके पर? मुझे पहले तो ये लगा कि इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है, कॉज बहुत अच्छा है टू प्रमोट पीस, एंड आई थिंक पीस हर जगह पे होना चाहिए, और पीस घर से शुरू होके पड़ोसी के यहाँ तक, प्लस द वर्ल्ड शुड बी पीसफुल, तो कॉज बहुत अच्छा है एंड आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था, आई थिंक इट वाज वेरी वेल डन, जो पुराने दोस्त मिले हैं जिनके साथ मैं काफ़ी काम भी कर चुका हूँ, सो ओवरऑल इट वाज अ हैप्पी थिंग। एंड आपकी तरफ से क्या विश जाएगा जो 26/11 अटैक पे जो हमारे जवान शहीद हुए और जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं? सी, मैं मैसेज क्या कर सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो, आई जस्ट प्रे टू गॉड कि पीसफुल रहे सब कुछ और ऐसी हर चीज़ें ना हो बेटर, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, बट वर्किंग टूवर्ड्स पीस एंड प्रमोटिंग पीस, आई थिंक एक एज एन एक्टर आपको अच्छा मौका मिल जाता है टू टॉक अबाउट इट, तो खुश हूँ। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू। चले हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लोबल पीस इनिशिएटिव जैसे बॉस के लिए, हमने एक अच्छा सा रैंप वॉक देखा आप लोगों के जरिए, क्या फील करते हैं और क्या कहना चाहेंगे आज की शाम इस इनिशिएटिव पर? अच्छा अजी, बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं लास्ट ईयर भी यहाँ पर आया था, एंड ऐसे इनिशिएटिव के लिए आई थिंक हर एक नागरिक को बहुत ज़रूरत है कि दे स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट पीस, नॉट जस्ट इन इंडियन, इन फैक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग, तो ऐसे इनिशिएटिव के लिए आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू कम फॉरवर्ड, और जो मैंने टाइटल जीता है मिस्टर वर्ल्ड, उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ब्यूटी विद पर्पस, जो कॉज है उसको आगे बढ़ाना, तो आई एम वेरी ग्लैड दैट कायला हैज़ टेकन द इनिशिएटिव एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड, एंड आई होप कि जहाँ पर भी हम जाते जो भी करते हैं हमें ऐसी चीज़ को स्प्रेड करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, एंड जिस से नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट वी ऑलवेज हैव टू हैव पीस इन क्वेस्ट। आई थिंक मैं यही चाहता हूँ कि दे आर द पीपल हु आर लिविंग फॉर अस एंड वी हैव टू कम्प्लीट गिव ऑल आर ग्रैटिट्यूड टू देम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिमेंबर देम एवरी डे ऑफ आर लाइफ, एंड हैट्स ऑफ टू देम फॉर डूइंग इट, फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। I would just say that I've been a part of Global Peace Initiative so many times and all the time, and I always work for a charity, but it's even more fun to be walking ahead with other celebrities and wearing the best of outfits and looking good, and special mention to Rohit Khandelwal, he has made the country proud, and I did see his journey on camera and on screen and on internet, he was breaking the internet, so I just want to wish you all the very very best for your future endeavors, and yes, it's great to meet him this year. Thank you. Thank you so much. Thank you. One more.